तो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के लिए आया मैं एसी। ये जो है ब्लू स्टार का 2TR का मशीन है और जो है इंडोर आउटडोर बिठाने का है। इंडोर अब अपने को बिठाने का है यहाँ पे। थोड़ा सा मसला हो रहा है यहाँ पे, अपने को सेंटर में नहीं आ रहा इंडोर। अब इसका सेंटर कैसा निकालना अपन वो एक बार देख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो है ये खिड़की से लेके ये वॉल के बीच में मशीन को बिठाना है। उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी पाइपिंग हो गई से, तो एक बार मेजरमेंट से मैं जो है मेजर करके बता देता हूँ। अब पहले तो मैं मेजरमेंट ले लिया। मेजरमेंट लेने पर जो है 78 आ रहा, तो यहाँ पर वॉल कन लगा दिया कोने में मैं। उसके बाद जो है मेजरमेंट से पकड़ने दे देंगे, तो 78 और कुछ चिल्ला रहा समझो। तो यहाँ पे देख सकते 78 है, तो 78 का आधा जो है अपने को 39 होता कैलकुलेटर के हिसाब से देखे तो। अगर तो 39 के अपने को जो है वॉल का सेंटर आ रहा, तो अब वॉल का सेंटर बोले तो वॉल के सेंटर के हिसाब से अगर मशीन बिठाए बोले तो अपने को मशीन जो है बीच में दिखती दो साइड से अगर देखे तो। अब इसका एक बार सेंटर भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा, तो इसे जो है वहाँ वॉल के कोने में लगा दिया मैं। तो यहाँ पे जो है 39 पे सेंटर आ रहा। जाके मैं एक छोटी एक लकीर मार के रखा, जिसको मैं और थोड़ा डार्क बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक लकीर मार दिया। तो अब ये लकीर को भी जो है अपन वाटर लेवल स्केल से चेक कर लेना। तो देख सकते मेरे ख्याल से दिख रही होगी ब्लैक कलर की, तो वाटर लेवल स्केल से इसको चेक कर लेना। स्टेड है नहीं है, कभी कभी क्या होता अपन यहाँ पे मार्क डालने के बाद लकीर टेढ़ी होके फिर जो है मशीन थोड़ा, अब क्या रहता आधे इंच पौ इंच का एक मसला रहता, तो उतने में जो है मशीन अपने को क्रॉस दिखती। तो बहरहाल वाटर लेवल स्केल से ये लकीर चेक कर लेना, यहाँ से जो है स्टेड है नहीं है। तो ये अपनी जो है स्केल है यहाँ पे जो है लगा दे के इसको जो है सेट कर लेना। स्केल सेट हो गई अपनी, अब जो है इसके हिसाब से मशीन लगाना है अपने को। ये सेंटर है इसका, तो अब ये जो है अपने को दीवार का सेंटर निकाले अपन। अब दीवार के सेंटर के हिसाब से मशीन बिठाने का है। तो अब ये सेंटर में मशीन कैसा बिठाना वो भी एक बार देख लो। तो यहाँ पे जो है मेरा मशीन है 2 टन का, एक बार कैपेसिटी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्टिकर में लिखा हुआ है 6300 वाट। 1.8 का मशीन है ये, कैलकुलेट कर सकते हैं 3500 को जो है अपने को 1 टन होता। तो बहरहाल अब जो है अपन प्लेट तो ऐसा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे जो है ले लिए प्लेट का ऐसा प्लेट बाहर निकाल लेके, बहुत सारे लोग मतलब सोच लेते। तो प्लेट का आधा आधा ले लिए अपन, प्लेट का मेजरमेंट देख लो एक बार बता देता हूँ। तो प्लेट यहाँ पे अपन अगर अपन मेजरमेंट करें बोले तो 27-28 इंचेस की है प्लेट अपने को, तो 28 बोले तो 14 14 इंचेस को अपने को प्लेट आधी हो जाती है। तो अगर 14 के हिसाब से अगर अपन देखें तो अपना प्लेट का सेंटर यहाँ पे आ रहा, देख सकते हैं ये गोल जो होल है अपने को, ये जो लकीर है लकीर के बाजू के होल में अपने को 14 इंचेस आ रहा। तो 14 इंचेस ये प्लेट का सेंटर हो गया। अगर अपन ये सीधा ले लेके गए प्लेट और जो है यहाँ सेंटर में लगा दिए, लगा के ऐसा बिठा दिए समझो, तो यहाँ पे अपना मशीन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अपन प्लेट का सेंटर ले रहे ना कि मशीन का, क्योंकि मशीन जो है अपने को प्लेट से एक जगह ज़्यादा एक जगह कम हो सकता, प्लेट जो है इक्वली नहीं रहती। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको मिडिल में रख रहा हूँ, ठीक है। मिडिल में रखने के बाद मैं मेजरमेंट बता देता हूँ दो साइड का कितना है। तो यहाँ अगर प्लेट से अपन देखें तो 3.5 इंच से अपने को, और अगर इधर साइड में देखें समझो तो इधर साइड में देखने पर देख सकते 6 इंच है। तो अगर अपन प्लेट के सेंटर से बिठा दिए तो प्लेट के सेंटर से बिठाने पे मशीन जो है अपना एक साइड कम एक साइड ज़्यादा हो जाता, तो वैसा प्रॉब्लम नहीं आना। तो क्या करना, प्लेट का सेंटर निकालना अपन। वो कैसा निकालना, मशीन जो है ऐसा बीच में रख लेना, बीच में रख लेके मतलब अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ 19-20 तो एडजस्ट कर ले सकना अपन। तो बहरहाल अब यहाँ पे मैं इसका मेजरमेंट लेता हूँ पूरी मशीन का। मशीन का मेजरमेंट लेने पे यहाँ पे मेरे को 37.5 है, तो 37.5 का अपने को जो कैलकुलेट अगर अपन करेंगे तो मेरे ख्याल से 19.75 आता है। तो 19.75 अपने को कहाँ हो रहा वो देख लो, तो ये जो है अपने को 19 इंचेस है, ठीक है। उसके बाजू में जो है अपने को ये हाफ होता 19.5, फिर यहाँ पे 20 है, तो 19.5 और यहाँ पे देख सकते 19.75 ये हो गया, ये 19.25 हो गया, उसके बाद में ये 19.5 हो गया, फिर ये 19.75 हो गया अगर कैलकुलेट देखे तो। तो यहाँ पे जो है 20 इंचेस है, तो अपने को 19.75 19 इंच और 1.25 इंच समझ लो। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ इसका, मेजरमेंट लेने पे मेरे को 19 आता है या 18 आता है एक बार तेरह कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या है 18.5 आ रहा, अपन 19.5 ले रहे थे,
तो यहाँ पे 18 and 75 आ रहा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 inches 25, ये 18 inches and off, फिर यहाँ पे 18 and 75 होता अपने को, फिर ये जो है 19 inches। तो यहाँ 18 and 75 पे अगर अपन देखेंगे तो ये जो है अपने को इधर आ रहा, तो इसके हिसाब से अगर अपन 18.5 पे लगा रहे तो ये मान ले सकते, या फिर जो है अपने को और एग्जैक्ट लगाने का है कुछ भी एडजस्टमेंट आपको, मतलब यहाँ से जो है अपने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर लेने का है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मार्क कर लेना अपन जहाँ पे एग्जैक्टली आधा हो रहा। तो मैं यहाँ पे एक बार मार्क करके बता देता हूँ, ज़रा मार्क कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद मैं इसको क्या है पलटा लेना अपन, पलटा लेके सेम प्लेट को अपोजिट साइड पे भी मार्क कर लेना, प्लेट ऐसा बाहर निकाल लेके यहाँ से जो है ये साइड पे भी मार्क कर लेना। अब मेरे को तो ये निशानी है ये जो है अपना मिडिल में आ रहा, तो ये इसके हिसाब से मैं मशीन बिठा दे रहा हूँ, उसके बाद में जो है मेरा थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता, तो एक बार बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को मसला क्या हो रहा बोले तो इसका जो सेंटर है ये जो है अपने को सेंटर में अगर अपन इसको बिठा रहे तो ये जो है पाइपिंग इसकी टच हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते प्लेट यहाँ पे बैठ गई, बैठने के बाद में सेंटर यहाँ पर है और प्लेट का सेंटर मेरे को जो है ये आ रहा, मतलब मशीन का जो सेंटर है वो यहाँ पे आ रहा था। अगर यहाँ पे मैं मशीन मतलब ये और ये लाइन दो को मैच करा, समझो ये दो लाइनों को अगर ऐसा मैच करा बोले तो मेरी मशीन इधर और इधर दो जगह परफेक्टली आती, लेकिन अभी इन्हें मैच नहीं हो रहा। अब मैच नहीं हो रहा बोले तो इसको क्या करना, अपने को थोड़ा बहुत 19-20 का प्ले है उसके अंदर मशीन के अंदर। अगर मैं कॉपर पाइप अंदर ले लिया, ऐसा कॉपर पाइप अंदर ले लिया समझो, प्लेट उधर बाहर हटा के, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ मेरे ख्याल से 3 से 4 inch का डिस्टेंस आ जा रहा है, तो 3-4 inch बोले तो बहुत ज़्यादा आउट दिखती मशीन। तो उससे अच्छा क्या है अपन यहाँ पे देख सकते 1 से 1.5 inch का आ रहा, तो 1 से 1.5 inch पे ले लेके प्लेट को हैंग कर लेना। प्लेट हैंग करने के बाद में अब यहाँ पे अपन अपना इंडोर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ना, तो वो एडजस्ट हो जाता, एडजस्ट होकर उसके हिसाब से फ्लेयरिंग वगैरह बना लेना। नहीं अगर अपने को परफेक्टली बनाना है बोले तो फिर जो है ये होल निकालना, होल निकाल के इसको निकाल देना, कॉपर पाइप को निकाल के फिर थोड़ा अपने को उधर साइड हटाने का है, हटा लेके करके एडजस्ट करके लगाना पड़ता अगर वैसा करना है तो। बस इंस्टॉलेशन करते वक्त मेजरमेंट ऐसा ही लेने का है, देखो पहले वॉल का सेंटर निकाल लेना, निकाल लेने के बाद में फिर मशीन का सेंटर निकालना। और एक एक चीज़ ये भी जहन में रख लेना, कभी कभी क्या है अपन कॉपर पाइप अगर अपना थोड़ा क्रॉस आ गया मतलब साइड में आ गया और अपन का मशीन का सेंटर यहाँ पे आ गया, मतलब एक बार बता ही देता हूँ उसका मेजरमेंट कैसा लेना। अब मान के चलो यहाँ पे सेंटर आ गया अपना, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपर पाइप बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो उसको कैसा करना मेजरमेंट के कॉपर पाइप अपने को मशीन के अंदर आना है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस चेक कर लेना। अपने को 3 inch था, तो ये नीचे का जो है ना ये लॉक से लॉक मिडिल में रख लेना, मिडिल में रखने के बाद में ये चेक कर लेना, यहाँ 1.5 inch है तो 4 inch रख लेना, मतलब प्लेट अपनी जो है ऐसा बिठाना के यहाँ से अपने को 4 inch लेना कॉपर पाइप अगर अंदर आना है बोले तो। तो यहाँ से जो है 4 inch पे ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ऐसा करने से क्या है अपना कॉपर पाइप और ड्रेन पाइप जो है मशीन के अंदर आता, अगर सेंटर से नहीं लगा रहे कॉपर पाइप के हिसाब से लगा रहे तो यहाँ से जो है 4 inch पे बिठा लेना इसको। 4 inch पे बिठाने से क्या रहता अपने को यहाँ से प्लेट शुरू होती, यहाँ से प्लेट शुरू होती अपना मशीन जहाँ भी है बैठ जाता और ये जो है अपने को अंदर आ जाता अगर होल सही से करना है। और बहुत सारे लोग जो है पाइपिंग बाद में डालते हैं, तो पाइपिंग का होल कैसा मारना उसके लिए भी सेम यही है, पहले सेंटर निकाल लेना, सेंटर निकाल लेने के बाद में राइट में होल मार रहे या लेफ्ट में मार रहे देख लेना, लेफ्ट में मारे तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर राइट में होल मार रहे बोले तो वही यहाँ पर जो है अब ये मशीन का अपने को लेफ्ट है ये राइट है, तो यहाँ मेजरमेंट देख लेना, यहाँ 7 inch है तो 7 inch बोले तो 1 inch छोड़ देना, यहाँ 6 inch रख लेना, तो 6 inch पे ये होल आना अपने को, यहाँ से ये होल आके इसका जो है मेजरमेंट अपन ऐसा एग्जैक्टली ले लेना, ये जो है मशीन सेंटर में रख लेके ये जो बेंड हो रहा है ना बेंड से लेके 4 inch, तो 4 inch पे जो है ये होल का सेंटर आना। तो अपने को ये होल है ना, ये होल के सेंटर से अगर अपन मेजरमेंट ले रहे बोले तो 4 inch पे प्लेट अपनी यहाँ से बैठना, तो यहाँ अगर प्लेट बैठी बोले तो ये 4 inch पे अपने को पाइप सीधा बेंड हो गया बाहर चले जाता। सेम अगर अपन बाजू के साइड में लगा रहे तो वही जैसा अपन देख लिए ना मशीन का जो भी है बाजू आजू का मेजरमेंट ले लेके प्लेट उसके हिसाब से बिठाना है, पहले प्लेट मार दिए बोले तो फिर मेजरमेंट लेने में मुश्किल हो सकती है। तो ऐसा ही है इंस्टॉलेशन करने का तरीका, दोनों साइड का मेजरमेंट वगैरह ले लेना, ले लेके इंडोर आउटडोर जो भी है। अब अपना तो पाइप आ गया ऑलरेडी, पाइप के हिसाब से अब देखो मेरा सेंटर यहाँ पे आ रहा ना, तो मेरा मशीन जो है 37 inches का है, तो ये अपने को 15 inch के अंदर ही आ जा रहा है,
तो अपना मशीन तो बैठने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 इंचेस यहाँ पे लगाया हमें, लगाए तो जो है यहाँ पे कॉपर पाइप के बाहर निकल रहा मेजरमेंट टेप, तो देख सकते हैं यहाँ पे बाहर है। तो आराम से जो है अपने को अभी 37 इंचेस का मशीन है, 37 बोले तो अपने को आधा कितना 18.5 है, तो ऑलरेडी 3 इंच का गैप है मेरे को। सुकून से मशीन लॉक हो जाता, बढ़ जाता पाइप जो है, ड्रेन पाइप कुछ भी मशीन के बाहर नहीं होता, आउट नहीं होता। आई होप के समझ में आ गया होगा। मैं इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेके बिठा लेता हूँ। अब जो है अंदर ही बिठाए तो प्लेट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मशीन नहीं उधर बिठाए तो फिर 3-4 इंच ज़्यादा आउट हो जाता, मुश्किल हो जाती। अब ऐसा रख लिए बोले तो 1-2 इंच एडजस्ट हो जाता, जैसा कि प्लेट में बताया था। बस इतना ही है देखो आज की वीडियो में। तो वीडियो आई होप के पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा इंस्टॉलेशन का थोड़ा बहुत तरीका। और ऑलरेडी जो है एक वीडियो भी बनाया मैं स्क्रू वगैरह मारने का, स्केल वगैरह से मेजरमेंट लेने का, तो वो वीडियो भी जो है मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिख जाके देखो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।